Hello guys, welcome back and another video of Aryavart Study, a new way of learning. दोस्तों आज के इस वीडियो में हम माइक्रोबायोलॉजी के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या होता है। तो सूक्ष्म जीवों का जो अध्ययन होता है, या कह सकते हैं जंतु विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, सूक्ष्म जीव से क्या आशा है, जैसे कि हमारे फंगस होती है, बैक्टीरिया होता है और वायरस होता है, मुख्य रूप से तीन ही सूक्ष्म जीव के अंतर्गत गाते हैं। अब जैसे साइनोबैक्टीरिया हो गया, आर्की बैक्टीरिया हो गया, सब प्रकार हो जाते हैं उसके अंदर डीपली। तो जो हमारे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हम एक नग्न आँखों से नहीं देख पाते हैं, ऐसे जीवों का अध्ययन कि ये कैसे प्रजनन करते हैं, कैसे द्विगणन करते हैं, कैसे ये अपना भोजन ग्रहण करते हैं, कैसे इनके अंदर उत्सर्जन, पाचन, प्रजनन, ये सारी क्रियाएँ होती हैं, इन सब का जो स्टडी होती है वो हुई माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत की जाती है। तो हम इसको परिभाषित रूप में ऐसा कह सकते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है वो माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। तो उम्मीद दी गई इन्फॉर्मेशन आपको दोस्तों पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।